मंगलवार की शाम बीजापुर में नक्सलियों ने कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में जिला पंचायत सदस्य के वाहन के टायर में गोली लगी है। हालांकि वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है। बीजापुर विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी PCC के निर्देश पर मंगलवार को नुक्कड़ सभा में शामिल होने गंगालूर गए थे। ये इलाका नक्सल प्रभावित है। सभा के बाद विधायक विक्रम मंडावी सहित कांग्रेसियों का काफिला लौट रहा था। इसी दौरान पदेड़ा गांव के नजदीक नक्सलियों ने काफिले में चलकर वाहनों पर हमला कर दिया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जो हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्देश अनुसार हम लोग 8 बजे में नुक्कड़ सभा करने के लिए 27 बजे रंगलूर रहे हुए थे और वहां से सभा समाप्त होने के बाद हम वापस बीजापुर जिला मुख्यालय आ रहे थे। उसी बीच में हमारे साथ काफिले में चल रहे हम सब लोग काफिले में वापसी हो रहा था। वो चलते समय हमारे गाड़ी थी जिला पंचायत सदस्य, उस गाड़ी पे फायरिंग हुआ। फायरिंग होने की वजह से टायर में साथ गोली लगा और टायर गोली लगने के बाद में टायर पंचर होना। फिर उसके बाद फिर वो सब लोग वापस पदेड़ा गांव की ओर रहे हैं और अभी सभी लोग हम लोग यहां पर अस्पताल पहुंच चुके हैं और जिला मुख्यालय में। उसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिली है, कितने लोग थे, कैसा हुआ, क्या हुआ। मैं निर्धारित कार्यक्रम से 22 जाना और 22 वापस आना बताया था। प्रोटोकॉल कहीं से भी कोई हेलीकॉप्टर दूसरा बात नहीं था।